أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له او كما قال عليه الصلاه والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे आज के जुमातुल मुबारक के खुतबा का उन्वान है क़याम अमन और मुआहदात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी उन्वान पे चंद बातें आप हजरात से गोशोगुजार करनी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की और हम सबको उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम सलामती से है और इस्लाम से बढ़कर सलामती और अमन की बात दुनिया का कोई मजहब नहीं करता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं, जिनमें से एक दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है कि जब आपने बैतुल्लाह को तामीर किया तो आपने बहुत सारी दुआएं की। उस मौके पे एक दुआ ये थी कि रब्ब जाल हाजल बलद आमिना, ए अल्लाह ये जो शहर छोटा सा आबाद हुआ है इस शहर को अमन वाला बना दे, सलामती वाला बना दे। इस्लाम ने सलामती को, अमन को बहुत अहमियत दी है। यही वजह है कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं, अमन की दुआ देते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहकर उसे ये दुआ देते हैं कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तबलीग का आगाज किया तो आपके अव्वल मुखातिब कुरैश मक्का थे, जो कि आपके खानदान के लोग थे, आपकी बरादरी के लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम गोशों से वाकिफ थे। ऐसा नहीं था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजनबी थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत समझाने की कोशिश की, उन लोगों को जो अल्लाह की गुलामी से निकलकर बंदों की गुलामी में
और उससे भी आगे बढ़कर वो मूर्तियों और बुतों की गुलामी में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने रब का तारुफ करवाया, अपने अल्लाह की पहचान उन्हें करवाई, अपने खालिक और मालिक से उनका ताल्लुक जोड़ने की बात की, लेकिन वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बजाय इसके कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक कहते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की दावत को तस्लीम करते, आपका कलमा पढ़ते, आप पर ईमान ले आते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। और मुखालफत भी उन्होंने हर तरह से की, जुबानी कलामी भी की, तंज भी किया, इस्तेहज़ा भी किया, मजाक भी उड़ाया, बड़े बड़े इल्जाम भी लगाए, जादूगर भी कहा, काहिन भी कहा। जब देखा कि बातों से बात नहीं बनती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, आपके सहाबाए किराम को भी उन्होंने तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी। और कोई मौका वो ऐसा हाथ से जाने नहीं देते थे कि जब उन्हें अजियत मुसलमानों को ना पहुंचाएं। ये सारी सूरत हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया। लिहाजा मुसलमानों ने एक बार हबशा की तरफ हिजरत की, फिर दूसरी मर्तबा भी हबशा की हिजरत की, और तीसरी मर्तबा 13 नबवी में, नबूवत के 13 साल बाद, जब नतीजा ये निकला कि हालात मक्के में इस्लाम के लिए साजगार नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ने 2-3 सूरतें नाजिल की जिनमें इशारा इस बात की तरफ था कि इससे पहले भी अंबियाए किराम जब देखते थे कि एक इलाके में हवा उनके मौकफ के लिए साजगार नहीं है, वो वहां से हिजरत कर जाया करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन अर्जी वासियातुन फैया या फाबुदून, लोगों मेरी जमीन बड़ी वसी है, जहां चाहो तुम इबादत कर सकते हो। तो ये इशारा था कि मक्के से आप निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, लिहाजा मुसलमान हिजरत का तजर्बा जो कि हबशा की तरफ का था कामयाब देखा था, और ये मालूम हुआ था कि मक्के से बाहर की जो फिजा है वो इस्लाम के लिए साजगार है। लिहाजा हिजरत मदीना का फैसला हुआ और मुसलमान हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मदीना तशरीफ ले आए। सामीन मोहतरम, इस्लाम के इनकलाबी इकदाम जितने भी हैं उनमें से सबसे बड़ा इकदाम हिजरत मदीना का था। इतना बड़ा फैसला लिया गया और ईमानी कुव्वत का इतना बड़ा सबूत दिया गया कि तमाम जायदादें, जमीनें, रिश्तेदारियां मुसलमान सहाबाए किराम छोड़कर वो मदीना चले गए। वो लोग जो मालदार थे फुकारा हो गए, जो शहरों के बड़े बड़े ताजर थे वो मदीने आकर अजनबी हो गए। जब मुसलमान मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे हालात के तनाजुर में मदनी जिंदगी में, जो कि 10 साल जिंदगी है, यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम इकदामात उठाए, बड़े बड़े मुआहदे हुए। चूंकि मक्के में तो मुसलमान एक ताकत में नहीं थे और तादाद भी बहुत कम थी, और आप जानते हैं कि मुआहदा जब भी होता है तो दो बराबर की ताकतों में होता है। जब एक ताकत दूसरे को कमजोर समझती हो और उसकी उसके आगे वैल्यू ही ना हो तो मुआहदा तो कोई नहीं करता उसके साथ।
उसको तो मजीद रगड़ा जाता है, पीसा जाता है। मुआहिदा हमेशा बराबर की ताकत से होता है, जानेबैन दोनों एक वैल्यू रखते हैं। लेकिन हिजरत के बाद अब जहां मक्के में मुसलमानों को सिर्फ कुरैश की मुखालफत का सामना था, मदीने में आकर दो तरह के दुश्मनों का और इजाफा हुआ। अब यहां पे एक तबका था यहूद का, जो कि मदीना में बहुत अरसे से आबाद थे, यहूद अहले किताब। दूसरा तबका यहां पैदा हुआ मुनाफिकीन का, और तीसरा तबका कुछ ऐसे लोगों का था जो अरब थे लेकिन मुशरिकीन थे। मक्के में कोई दुश्मन नहीं है, एक ही दुश्मन है, और मदीने में आके तीन हो जाते हैं। अब ऐसे में मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद से रखना ये बड़ा जरूरी था, लिहाजा इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहिदा करवाया जिसे हम मुआखाते मदीना कहते हैं। और एक उसूल हमें इस मुआखाते मदीना से समझ आता है कि जब तक मुसलमान आपस में मुत्तफिक होंगे, मुत्तहिद होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उनका कोई बिगाड़ नहीं सकेगी। लिहाजा जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आते हैं तो मुसलमानों में भी दो तबके पैदा होते हैं, एक है मुहाजिरीन का, एक है अंसार का। मुहाजिरीन वो थे जो हिजरत करके आए थे, अंसार वो थे जो मदीने के रहने वाले थे, जिन्होंने मक्के वालों को बुलाया था, उनकी मेजबानी का उन्होंने हलफ उठाया था। अब जरूरी था कि पहले मुहाजिरीन और अंसार को आपस में जोड़ा जाए, इनका आपस में एक ऐसा मुआहिदा करवाया जाए कि कम से कम औरों के साथ तो जो लड़ाई रहनी है वो तो रहनी है, आपस में मुसलमान मुत्तफिक हों, ये कभी आपस में ना लड़ें। इनमें कौमियत और कौमी असबियत, नस्ली इलाकाई वो पैदा ना हो जाए कहीं, ये बहुत जरूरी था। और ऐसे मौके आए कि हालात यहां तक पहुंच गए कि अंसार ने एक अलग दावा कर दिया मुहाजिरीन के मुकाबले में। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मेरे घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को भी बुलाया, अंसार को भी बुलाया। और यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर को, एक अंसारी को खड़ा किया और उन दोनों को आपस में एक दूसरे का भाई बनाया। और तकरीबन 50 लोग जो थे उस वक्त, उस एक मौके पे उनको आपस में भाई भाई बनाया गया, उनका एक रिश्ता आपस में जोड़ा गया कि आज के बाद तुम दोनों आपस में भाई हो। और ये इतना बड़ा रिश्ता कायम हुआ था कि जब तक वरासत के उसूल नाजिल नहीं हुए थे उस वक्त तक ये दोनों भाई जो एक दूसरे के बनाए गए थे, ये एक दूसरे की जायदादों के भी वारिस थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम रिश्ते में भाई नहीं हैं, उन्होंने कहा जब अल्लाह के नबी ने हमें एक दूसरे का भाई बना दिया तो इससे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। हमारा वो रिश्ता जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है, वो रिश्ता खानदानी और नस्बी रिश्तों से बहुत बड़ा है। लिहाजा अगर हम मुआखाते मदीना के नतीजे में हम देखें तो मुहाजिरीन और अंसार ने एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि एक सहाबी हैं, उनके दो बाग हैं, उन्होंने अपने जो भाई थे उनको कहा ये मेरे दो बाग हैं, इनमें से जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। एक ने कहा मेरी दो बीवियां हैं, तुम मक्के से अपनी बीवी छोड़ के आए हो, मेरी दो बीवियां हैं, जो तुम्हें पसंद है मैं उसे तलाक देता हूं, तुम उससे निकाह कर लो। इतना बड़ा
अपने भाई के लिए, हम सगे भाई के लिए भी कभी ये नहीं करते जो उन्होंने उस भाई के लिए किया जिसे अल्लाह के नबी ने उनका भाई करार दिया था। इसको कहते हैं मुआखात मदीना। ये सबसे पहली कामयाबी की जो थी इब्तिदा थी कि मुसलमान आपस में शीरो शिकर हो गए, अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। ये अमन का इतना बड़ा मुआहिदा जो मुसलमानों के दरमियान अल्लाह के हबीब ने करवाया, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। सामीन मोहतरम, इसके बाद एक और मौका आता है जब मुसलमान आपस में मुत्तफिक हो गए। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया, यहां पे दो तबके और थे, एक तबका था मुनाफिकीन का, एक तबका था अहले किताब यहूद का। मुनाफिकीन वो तबका था जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल किए हुए था लेकिन अंदर से वो कुफर पर ही थे, वो यहूदी ही थे, वो मुशरिक ही थे, लेकिन बज़ाहिर मफाद परस्ती के लिए वो कलमा पढ़ते थे। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाय वला इलाहा उला, तज़ब्ज़ुब में थे, न इधर के थे न उधर के थे। मीसाक़े मदीना हुआ दो बड़ी ताकतों के दरमियान, खास तौर पे एक अहले किताब यहूद के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान। यहूद के तीन बड़े कबीले मदीने में आबाद थे, कबीला बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा। ये बड़े ताकतवर कबीले थे। अब मुसलमान चूंकि मक्का से आए थे और उनको हमेशा कुरैश से भी खतरा रहता था कि किसी भी वक्त उनसे हमारा दोबारा से जिहाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है कि आप अपने शहर का दिफा मजबूत करें, आप अपने लोगों को पहले आपस में जोड़ें। अब वो तो एक शहरी हैं एक जगह के मदीने के, चाहे मुसलमान है या यहूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां एक और कदम उठाया, एक और मुआहदे की तरफ आप बढ़े। उस मुआहदे में आपने यहूद को भी बुलाया और मुसलमान तो थे ही, आपस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसकी बहुत सारी शिकें थी, बहुत सारे उसके, अगर हम सीरत की किताबें पढ़ें तो हमें उसकी सारी डिटेल मालूम होगी कि मीसाक़े मदीना में क्या तय हुआ था। और इस दौरे जदीद में इस पर तो बहुत बड़ी तहकीक हुई है। बरसगीर पाक व हिंद के एक बहुत बड़े मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर पूरी शिकें मीसाक़े मदीना की और सुलह हुदैबिया की लिखी हैं, क्या क्या तय हुआ था। इस मीसाक़े मदीना में मुसलमानों ने बहुत सारे मकासिद हासिल किए, बहुत सारे मुआहदात तय हुए, जिनमें से चंद बातें ये थी कि अगर हम में से कोई एक दूसरे के साथ जुल्म करेगा तो जालिम के खिलाफ सारे इकट्ठे होंगे, अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो उस कातिल को जब तक सजा नहीं दी जाएगी कोई उसकी सिफारिश नहीं करेगा, चाहे वो किसी मुसलमान का ही किसी का बेटा ही क्यों ना हो। किसी कातिल की किसी जालिम की मदद नहीं की जाएगी। और यह भी तय हुआ कि यहूद मुसलमान जो भी हैं अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत करेंगे, कोई किसी के मामलात मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा, यानी मजहबी आजादी हर तबके को। इसी तरह यह भी तय हुआ मीसाक़े मदीना में कि अगर ऐसा मौका आ जाता है कि मामला मुसलमानों और अहले किताब का आपस में टकरा जाता है तो अब फैसला कौन करेगा, तो यह तय पाया कि इस मौके पे फैसला करने की सुप्रीम ताकत वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। और यहूद अहले किताब ने भी इस बात को तस्लीम किया, लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना के और रियासत मदीना जो कि इस मुआहदे के बाद रियासत कहलाई, इसके सुप्रीम लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर लिए गए।
इस एक शिख से। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह माईदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत अता की कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपको अहले किताब वैदा हकम तबीनास फहकुम बैन हम बिलादल आपको फैसला करना पड़े तो आपने इंसाफ पे करना है, और अगर अहले किताब में फैसला करना पड़े तो उनकी किताब के मुताबिक उनके मजहब के मुताबिक उनका फैसला आप करें। यानी दो यहूदी आपके पास आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा ये झगड़ा है, तो हम लाजमी बात है कुरान के मुताबिक तो उनको फैसला नहीं देंगे क्योंकि वो उसको तस्लीम नहीं करते। उनकी किताब के मुताबिक उनके मजहब के मुताबिक जो उनका फैसला बनता है आपको इख्तियार है आप करें। तो सामीन मोहतरम मीसाके मदीना के नतीजे में एक रियासत कायम हुई जिसे हम रियासत मदीना कहते थे। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता कि उसके बाद क्या अहकाम नाजिल हुए। हम आगे बढ़ते हैं एक और मुआहदे की तरफ। सन 6 हिजरी है और मुसलमानों को मक्का से आए हुए 6 साल हो गए थे, और जाहिर बात है लोग अपना वतन छोड़कर आए थे, घर बार छोड़कर आए थे, खानदान जायदादें सब कुछ छोड़कर आए थे। खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को देखने के लिए, बैतुल्लाह को देखने के लिए बेचैन रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलते हुए एक पहाड़ी पे खड़े होकर अपने शहर को देखा तो आपने फरमाया था कि मेरे शहर मक्का, मैं तुझे छोड़ के जाने के लिए इस वक्त मैं बड़ा दुखी हूं कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह के दीन की खातिर मुझे यह कुर्बानी देनी पड़ रही है। मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन कुर्बानी का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल बाद आपको फिर मक्का की याद सताने लगती है, बैतुल्लाह की याद सताने लगती है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर बैतुल्लाह के लिए दुआएं करना हम देख रहे हैं। कद नरा तकल्लुब वजहका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, आप जो अपने किबले के लिए बेचैन हैं हमें पता है, हम देख रहे हैं, अनकरीब हम आपको अपने उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसके लिए आप बहुत बेचैन हैं। लिहाजा 6 साल बाद मुसलमान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह फतह पारा 26 में किया है। ख्वाब देखा कि मुसलमान बैतुल्लाह में तवाफ कर रहे हैं, हलक करवाए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से यह ख्वाब बयान किया और फिर तैयारी का हुक्म दिया कि सारे सहाबा तैयारी करें, हम उमरा करने के लिए जाएंगे। लिहाजा 1400 सहाबा किराम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चल पड़ते हैं, और चलते चलते हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचते हैं जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में कहा बिबत्न मक्का। वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक नुमाइंदे को, एक सफीर को, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को भेजते हैं कि जाकर मक्के वालों से इजाजत लेके आए कि आया हम मक्के में आ सकते हैं उमरा करने के लिए या नहीं। लिहाजा वो लोग इजाजत नहीं देते, लेकिन अपने एक सफीर को भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में मुआहदा तय करें, जो भी शिकें आपस में वो तय करना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से एक शख्स आते हैं जिनका नाम सुहेल बिन अमर, वो आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सुलह हुदैबिया का मामला करते हैं। इस सुलह नामे से एक और कामयाबी मुसलमानों को हासिल हुई, वो ये थी कि कुरैश मक्का ने मुसलमानों को अपने मुकाबले की एक ताकत तस्लीम कर लिया था। वो मजबूर हो गए मुआहदा करने पर, क्योंकि अब मदीना एक रियासत बन चुकी थी। अब मुसलमान वो तनहा नहीं थे, वो मुट्ठी भर लोग नहीं थे, वो बदर में इनको शिकस्त दे चुके थे, उहद में इनका डटकर मुकाबला कर चुके थे, और अहजाब में जो कि शवाल 5 हिजरी में हुआ था इनको धूल चटाई थी मुसलमानों ने, अहले ईमान ने। अब तो उनकी ताकत मर चुकी थी,
और 6 हिजरी में तो मुसलमान एक ताकत में आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अब मुशरिकीन मक्का ने मुआहिदा किया, सुलह हुदैबिया जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत सारी शरायत तय हुई, बहुत सारे मामले तय हुए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहिदे को लिखवा रहे थे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने लिखने वाले थे। आपने वो सुनी होगी वो बात कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा कि ये मुआहिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके दुश्मन मुशरिकीन के साथ है, अहले मक्का कुरैश के साथ है, तो सुहेल बिन अमर कहने लगा कि हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते हों तो झगड़ा किस बात का है, लिहाजा ये आप ना लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुआहिदा, आप लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुआहिदा है। तो हुजूर ने हजरत अली से फरमाया कि इसको मिटाकर लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाने कि या रसूलुल्लाह, मैं तो आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, मैं कैसे इसको मिटा सकता हूं। तो आपने खुद फरमाया कहां लिखा है, जहां लिखा था उस पर हुजूर ने खुद कलम फेरा, मुआहिदा तय हुआ। ऐन मुआहिदा जैसे तय हो जाता है, अभी तय हुआ है, लिखा नहीं है, उसी सुहेल बिन अमर के बेटे अबू जुंदल रजी अल्लाह तआला ने वो कुरैश की कैद से आजाद होकर मौके पे वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे इन लोगों ने जो है इस्लाम की वजह से कैद में रखा हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूं, लिहाजा मुझे भी आप अपने साथ ले जाएं। लेकिन इससे पहले एक शिप तय हो चुकी थी, वो ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्के वालों के पास गिरफ्तार हो तो वो उसे छोड़ने के मजाज नहीं है, उनकी मर्जी है छोड़े ना छोड़े, लेकिन अगर मक्के वालों का कोई बंदा मदीने यानी मुसलमानों के पास गिरफ्तार होगा तो मुसलमान उसे कैद रखने के पाबंद नहीं है, वो उसे फौरन छोड़ देंगे। ये शिक तय हो चुकी थी, अभी लिखी नहीं गई थी। इतने में मुसलमान कैदी आ जाते हैं और ये अबू जुंदल भी सुहेल बिन अमर के बेटे हैं, वो कहते हैं या रसूलल्लाह, मुझे ले जाएं अपने साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ये मुआहिदा तय कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स मक्के वालों की कैद में हमारा हो तो ये उसे छोड़ने के पाबंद नहीं है, हम उसे साथ नहीं ले जाएंगे, लिहाजा मैंने अभी ही मुआहिदा किया है, मैं उसको अभी ही तोड़ नहीं सकता, लिहाजा आप सब्र करो, इनके साथ वापस चले जाओ। सुलहनामा हुदैबिया में एक शर्त यह तय पाई कि मुसलमान इस साल उमरा नहीं कर सकेंगे, इस साल वापस चले जाएंगे, आइंदा साल मुसलमान उमरा करने आएंगे और वो भी तलवारें सिर्फ साथ लाएंगे, वो तलवारें भी नियामों में बंद करके लाएंगे। हुजूर ने फरमाया ठीक है। बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जिनकी तफसील का वक्त नहीं है। सहाबा किराम में से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला और भी, या रसूलल्लाह आप इनकी हर बात तस्लीम करते जा रहे हैं, क्या आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर नहीं है? अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप हर बात इनकी तस्लीम करते जा रहे हैं जो हमारे खसारे में बज़ाहिर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग खामोश रहो, जो हो रहा है अल्लाह की मैयत से, अल्लाह की मशीयत से, और बिल्कुल बेहतर हो रहा है। सामीन मोहतरम, इस सुलह हुदैबिया का जो हुई थी 6 हिजरी में, इतनी बड़ी कामयाबी मुसलमानों को मिली, इस सुलह हुदैबिया को अल्लाह ने फतेह मुबीन कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फतेह मुबीन कहा। 6 हिजरी में हुई, 7 हिजरी और 8 हिजरी। 8 हिजरी रमजानुल मुबारक, 17 रमजान मक्का फतह होता है, यानी इस सुलह हुदैबिया के टोटल 1.5 साल बाद, और 10,000 का लश्कर मक्के में दाखिल हुआ था। सुलह हुदैबिया में कितने थे? 1400, पीछे ज्यादा से ज्यादा इतने ही होंगे, डबल होंगे इससे, लेकिन यही लोग 1.5 साल में इतनी तरक्की कर जाते हैं। सन 8 हिजरी में मुसलमान मक्का फतह करते हैं और 10,000 का लश्कर हुजूर के साथ है, सुभान अल्लाह। और मक्के में लश्कर 10,000 का है, 8 हिजरी है, 9 हिजरी आमुल वफूद का साल है, 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया जिसे हज्जतुल विदा भी कहते हैं, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1.25 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख, जो है ना 50,000, इतनी तादाद।
अल्लाह ने क्या फरमाया, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। मेरे हबीब, जब अल्लाह की मदद और अल्लाह की फतह आएगी तो आप देखेंगे कि लोग जोग तक दरजोग इस्लाम में आएंगे। और सन 9 हिजरी को कहते हैं आमुल वफूद, और एक रिवायत के मुताबिक 105 वफद इस एक साल में आकर मुसलमान हुए। और वफद भी ऐसे नहीं आते थे कि 10 बंदे आ रहे हैं, पूरा पूरा एक खानदान, एक कबीला आता था और कलमा पढ़ के मुसलमान होके चला जाता। एक कबीला आया बनू जुहैमिया, वो उनकी कबीले का नाम था, ऊपर बड़ी शाख थी जुहैमिया, नीचे एक बनू गैलान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके एक शख्स आए हुजूर के पास, कलमा पढ़ा, अमर बिन मुर्रा उनका नाम था, मुसलमान हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल को उनका उस्ताद मुकर्रर किया कि इन कबीले वालों को 2 साल तक आप इनको तालीम दें, इनको पढ़ाएं सिखाएं। इस तरह आप सल्लम साहबे कराम को जो असाबे सुफा थे, जब बहुत सारे कबीले मुसलमान होते थे ना, तो फिर एक साहबी को देते थे, आप जाकर इन कबीले को पढ़ाएं, दूसरे उधर भेजते थे, तीसरे को। इस तरह मुख्तलिफ कबाइल को एक एक साहबी देते थे जो हुजूर के शागिर्द होते थे कि जाओ इनको लिखना पढ़ना सिखाओ, इनको इस्लाम सिखाओ, इस तरीके से होता। तो ये जो आप सलम उन कबीले वालों को खुद भी इस्लाह फरमाते थे, उनको दीन सिखाते थे। इस कबीले का नाम बनू गैलान था। गैलान का माना सरकशी होता है। अल्लाह के हबीब ने इनका नाम बदल दिया, काब सरकशी नहीं चलेगी, अब तुम्हारा नाम है बनू रुशदान। अब रुश्द का मतलब कामयाबी, कि अब तुम कामयाबी वाले हो। एक शख्स ने अपना नाम बताया, वो भी बड़ा जंगी सा नाम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम भी बदलकर अब्दुल्ला कर दिया। इस्लाह भी करते थे कबीले वालों की, उनको दीन भी सिखाते थे। सामीन मोहतरम, ये जितने मुआहदात हुए, चाहे मीसाक मदीना हो, मुआखात मदीना हो, सुलह हुदैबिया हो, या नजरान के ईसाइयों के साथ आप सल्लम का मुआहदा हो, इन सारे मुआहदों के नतीजे में जहां और बेशुमार फवायद हुए, सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अरब में अमन कायम हो गया। जो जंगें और लड़ाइयां कबीलों की आपस में हुआ करती थी, जो नफरतें और दुश्मनियां हुआ करती थी, जिनका अल्लाह ने जिक्र किया, वज़कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो मुसलमानों, जब तुम आपस में दुश्मन हुआ करते थे, अल्लाह ने तुम्हारी दुश्मनी को मोहब्बतों में बदल दिया। यह आप सल्लम के इन पाकीजा मुआहिदों की रोशनी में था। आज भी दुनिया इस्लाम अगर आप सल्लम की सीरत को, इन मुआहदात को पढ़े, तो हमें यकीनन हमारा अल्लाह की जात पे ये ईमान है, अल्लाह का वादा है कि तुम अमन से रहोगे। आज हम मुसलमानों ने आप सल्लम की इन मुआहदों वाली जिंदगी को नहीं पढ़ा, जिसके नतीजे में हम सफारती सतह पर भी, हम खारजी और बैरूनी सतह पर भी हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आप सल्लम की जिंदगी में हम सब के लिए रहनुमाई मौजूद है कि जब भी दुश्मनों के साथ, गैरों के साथ मुआहदा करना पड़े, वो बराबरी की सतह पे करो, वो इस्लाम के मफाद के लिए करो, वो उम्मत के मफाद के लिए करो, और वो दीन की सरबुलंदी के लिए करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला में हुजूर सल्लम की इन मुआहदात की रोशनी में अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।